सो जैन साथियों, मेरे तरह सार चाव तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ तुम लोग अच्छे कर रहे हो ब्लॉगिंग फील्ड में। अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ रुकावट है तो उसको तोड़ो, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो यार, व्हाट्सअप करो, उसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखा जाए, कैसे मैं सिखाऊँ। अब इसका रीज़न यही है कि यार जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका डिमांड खत्म होता जा रहा है ब्लॉगिंग फील्ड में बहुत तेज़ी से यार। अब तो यार रहा ही नहीं, क्योंकि लोग इंग्लिश समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, और वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ना ही रीजनल लैंग्वेज के कंपेयर टू रीजनल लैंग्वेज, वो इंग्लिश पढ़ना पसंद कर रहे हैं। उनका माइंड में ये चलता रहता है कि इंग्लिश में पढ़ूंगा तो थोड़ा मेरा इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, और इस जगह में क्या रीजनल लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं। अब गूगल का जो एल्गोरिथम है वो भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा से काम कर पाता है यार, तो वो भी एक तरह से बायस है। ठीक है, इनडायरेक्टली बायस है, वो समझ नहीं पाता जो रीजनल लैंग्वेज है वो ठीक से समझ नहीं पाता है। सिंपल सा आंसर है यार, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको यार वो अच्छा समझ पाता है। तो यह है, अगर तुम कुछ इंग्लिश में सच मार लो तो वो ढूंढ ढूंढ के दिखा देगा अलग अलग भाषा में, लेकिन अगर तुम रीजनल लैंग्वेज में सच मारोगे तो वो कन्फ्यूज जाएगा क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, और गड़बड़ कर देगा, खिचड़ी दे देगा तुमको। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं रहता है तो थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना, और कुछ मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक, ज़्यादा दिमाग में दौड़ाना वो बेकार होगा। ठीक, सो आज हम लोग देखेंगे कैसे मैं इंग्लिश सीखा हूँ और इंग्लिश का क्या लेवल है अभी का टाइम में, कितना ज़रूरी है। वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक। एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा पूरी अच्छी तरह से यार, मन में डाउट्स होना ही नहीं चाहिए, वो ये कि इंग्लिश क्या है, एक इलीट लैंग्वेज है और एक एक्सेस लैंग्वेज भी है। इंग्लिश क्या है तुम्हारा, एक इलीट लैंग्वेज है और एक्सेस लैंग्वेज भी है। जो इंग्लिश है, हम लोग जो गवर्नमेंट है भारत गवर्नमेंट, वो जो है इंग्लिश पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, नाम का बस बोला है कि दो टू लैंग्वेज ऑफिशियल है, हिंदी इंग्लिश, लेकिन रियलिटी ये है कि अधिकांश जो इम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनको ठीक से हिंदी लिखने में नहीं आता है, उनका नाम देखोगे तो उल्टा पुल्टा लिखेंगे। अभी हाल में जो गवर्नर था यार, तो उसका नाम भी अगर देवनागरी में लिखने लिखा नाम तो उल्टा पुल्टा लिख दिया। तो माइंड में पूरा क्लियर कर लो कि जो भी गवर्नमेंट पोस्ट पर है, हाई पोस्ट पर, सब जो है सब इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े लिखे लोग हैं, और जो हम लोग का संविधान है, जो धारा है, जो कानून है, रूल है, सब इंग्लिश में ही है। यहाँ तक कि जो कोर्ट में जब केस होता है ना, जब चलता है कि ये बंदा ये क्राइम किया, वो बंदा वो क्राइम किया, तो वो भी जो सुनवाई जो होता है इंग्लिश में होता है। ठीक, एक टाइम में पीछे जाओगे तो हिस्ट्री में, तो संस्कृत था इलिट लैंग्वेज, संस्कृत था इलिट लैंग्वेज। ठीक है, अभी क्या है, वो रिप्लेस हो गया है, इंग्लिश घुस गया है। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृत नहीं सीखना है, संस्कृत भी बहुत काम का चीज़ है अभी के टाइम में, उसका भी रीज़न है। कोर्स में जो स्टूडेंट है उन लोगों को बताऊंगा, कोई पूछता है तो, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश तुमको सीखना ही है क्योंकि ये इलीट लैंग्वेज है। भले ही तुम 8 क्लास फेल हो, 5 क्लास फेल हो, 10 क्लास फेल हो, 11 क्लास, अब देखो मेरा क्या हाल है, मैं देखो 11 क्लास तक ही पढ़ा, 11 क्लास में गया, उसके बाद छोड़ दिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ वो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, चिल्ला मिली, छोड़ दिया वहाँ से। मुझे पता था फिर ये जो पढ़ाई जो कर रहा हूँ मैं, आर्ट्स लेकर जो पढ़ाई कर रहा हूँ, उसका कोई भविष्य नहीं, मतलब क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ अपना, निकला वहाँ से अपना करियर में ध्यान दिया। मैं श्योर था या मैं क्लियर था, मैं शुरू से ही मेरा माइंड क्लियर था। मैं देखता था ना स्टूडेंट लोग, मतलब जो मेरे फ्रेंड लोग थे, तो कभी कभी मुझे ना एक हीन भावना आता था उन लोगों के प्रति कि अल्लाह क्या भेड़ भाड़ जैसा बंदा लोग है यार, कुछ बुद्धि ही नहीं है, मतलब फ्यूचर में क्या करें कुछ पता नहीं है, किताब लेके ऐपे, चलो छोड़ो सब। ठीक, सो भले तुम कितना ही पढ़े लिखे हो, कितना भी कम हो, तो स्कूल गए भी ना हो, मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हें इंग्लिश अच्छा आता है, अच्छा से बोल पाते हो, लोग क्या बोलेगा, वाह बंदा पढ़ा लिखा है, बंदा जो है पढ़ा लिखा है। ये रियलिटी है इंग्लिश का, ये रियलिटी है। अगर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, हेन तिर मेन तिर, लेकिन तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, ओ कुछ नहीं आता इसको, ये रियलिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, तो तुम्हें इंग्लिश सीखना ही है। मान लो तुम ब्लॉगिंग करने का प्लान कैसे कर दिया, ब्लॉगिंग नहीं करना है, चलो छोड़ा मुझे कंटेंट बनाना ही नहीं है इंग्लिश में, तब भी इंग्लिश सीखो यार, तब भी इंग्लिश सीखना ही है। क्यों? क्योंकि ये इलीट लैंग्वेज है और तुम्हारा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्यूचर में, अभी भी होगा यार। ठीक है, अब मेरा क्या स्थिति, देखो मैं जो 11 क्लास तक ही पढ़ा हूँ स्कूल में तो जो इंग्लिश सिखाता है वो क्या सिखाता है, ABCD वैसे ऐसे स्कूल में जो बुक्स होता है उसमें ऐसे जो पढ़ाता है, सिंपल सा वही पढ़ाई हुआ है। ठीक, अब उससे तो कोई इंग्लिश सीखता नहीं है, उससे बस वो लोग ABCD पढ़ना सीख जाएगा कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो लेवल का चाहिए यार वो तुमको स्कूल में सीखने को मिलेगा ही नहीं। स्कूल में लोग सिखाते भी नहीं, स्कूल में जो है लोग सिखाता भी नहीं है जानबूझ के। अब इसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं तुमको यहाँ नहीं बोल सकता, प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन स्कूल में जो है जानबूझ के इंग्लिश सिखाया नहीं जाता है। ठीक, अब मैं कैसे सीखा,
तो देखो शुरू से ही मैं थोड़ा वो तो जानता ही था, ABCD वैसे जो सीखने को मिला, जो सीख ही गया। उसके बाद जो ऑनलाइन आया ना यार, ऑनलाइन ही मैं यार कुछ ना कुछ पर्पल के टास्क यूज़ करके मैं सीखा हूँ, जो बहुत ही ईजिली काम करता है। बहुत लोग देखोगे तुमको रिकमेंड करेगा कि हॉलीवुड मूवीज़ देखो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखो, वो भी ठीक है, काम करता है। लेकिन जो सबसे अच्छा काम करता है यार, वो कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो यार, कोई पुस्तक है तुम उसको रीड कर रहे हो तो यार, उस वो बहुत ही मस्त काम करता है, गजब का काम करता है। जैसे कि मान लो कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ये भी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, इसका नाम है यार, ये राजीव मल्होत्रा का है, देख सकते हो यार, ये बहुत ही मस्त बुक है। मैं तो तुम लोग रिकमेंड करूँगा इसको यार, खरीदो इसको पढ़ो। इसका नाम है ब्रेकिंग इंडिया, ये इंग्लिश वर्जन है, मतलब ये ओरिजिनल वर्जन है जो राजीव मल्होत्रा लिखा है वही है। अब इसका क्या है कि ये जो जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसमें, इसमें जो इंग्लिश लिखा हुआ है यार, ठीक है, इसमें जो इंग्लिश लिखा हुआ है एकदम सिंपल इंग्लिश है यार, जो अभी का टाइम में लोग यूज़ करते हैं, मॉडर्न टाइम में यार, कोई हार्ड कॉम्प्लेक्स नहीं, जो हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि जो इंग्लिश सीखते हैं वो पीछे का इंग्लिश सीखते हैं, बहुत सारा बेकार बेकार का हार्ड वर्ड जो जिसका जरूरत ही नहीं है हम लोग को। अभी का टाइम में जो कॉमन वर्ड है, जो सिंपल हम इंग्लिश सीखते हैं, उसके लिए जो है ये दिया गया है इसमें। ठीक, देखो जैसे कि मान लो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ये जो है इसको देखो, ध्यान से देखो, समझ में आएगा तुम्हें क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि मुझे जो है इसमें से कोई वर्ड ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या होगा कि मैं ट्रांसलेटर खोलूँगा गूगल का और जो है इसको वर्ड को सर्च मारूंगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मूवीज़ देख रहे हो या फिर कोई न्यूज़ देख रहे हो, तो क्या होता है कई बार कि ऐसा वर्ड बोल दिया है कि तुम कैच नहीं कर पाओगे क्या वर्ड बोला, जब तुम्हें पता नहीं क्या वर्ड बोला तुम कैसे सर्च मारोगे इसका मीनिंग क्या है, तो ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, सो मूवीज़ देखना है, न्यूज़ देखना है, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा बहुत तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए तब मूवीज़ वूवीज़ देखोगे, बहुत ही मस्त काम करे। खासकर वो मूवीज़ देख रहे हो जिसमें यार सबटाइटल भी है इंग्लिश भाषा के साथ साथ, वो और गजब काम करता है यार, बहुत तेज़ी से तुम्हारा माइंड जो है कैच कर लेगा कि हाँ क्या 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 बोल रहा है मतलब, क्योंकि ज़्यादा खास लोग बोलते हैं इंग्लिश एक्सेंट उनका थोड़ा अलग होता है एक्सेंट, तो लोग कैच करना थोड़ा कठिनाई होता है हम लोग के लिए। ठीक, सो मैं क्या करता हूँ, मैं यार जब पढ़ता हूँ जब आर्टिकल, तो मान लो मुझे कोई वर्ड पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फ़ोन का यूज़ करता हूँ। तो फ़ोन में मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ अपना ऐप्स, देखो कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी ऐप्स का, क्योंकि जो ऐप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किसी को पैसा दे ही नहीं रहा प्रमोशन करने के लिए, तो कैसे होगा प्रमोशन। ठीक है, सो लेट मी रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ, पहले दिखाता हूँ। ठीक, सो जो मैं ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ ये यार ट्रांसलेटर है, गूगल का ही ट्रांसलेटर है यार, ये एंड्रॉयड ऐप्स है। अब इसका क्या है कि यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर तो पहले लैंग्वेज चूज़ करो, यहाँ पर जैसे कि मैं इंग्लिश कर ले रहा हूँ और इंग्लिश से मैं हिंदी कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैमरा का एक ऑप्शन दिखेगा, कैमरा में क्लिक मारना। ठीक, अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर ऑप्शन देगा ये स्कैन करने का। ठीक है, सो मैं मान लो कोई वर्ड स्कैन करता हूँ, जैसे कि देखिए यही वर्ड मैं स्कैन करता हूँ। ठीक, इस वर्ड को मैं पकड़ता हूँ, वही तो यहाँ पर लाइट ठीक से नहीं आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ठीक है, जस्ट टू शो यू डेमो, मान लो किसी को पकड़ता हूँ, मान लो मुझे जिसका उसको मीनिंग पता नहीं है तो मैं इसको पकड़ लिया। ठीक, सो ये क्या करेगा, ये जो है इसका जो एल्गोरिथम है पकड़ लेगा कौन कौन से वर्ड का मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं इसमें पकड़ता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर ये बोल दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है परिचय, इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है परिचय। फिर देखो यहाँ पर भी देखो इन्फ्लुएंस इसका होता है प्रभावित करना, रिसर्च इसका मीनिंग होता है अनुसंधान करना। ठीक है, ये सब जो है मुझे ये दे देगा डिटेल्स, जो कि बहुत ही गजब काम करता है, बहुत ही गजब का यार। ठीक है, जैसे मान लो कि ये लैंग्वेज ये वर्ड है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब बैक करता हूँ मैं दोबारा, एक मिनट, फिर मैं यहाँ पर आया। कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका मीनिंग क्या होगा, मतलब उसका एक्सेंट क्या पढ़ने का, बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है जो यार हम लोग रॉन्ग पढ़ लेते हैं, तो उसका जो है वर्ड को कॉपी कर लोगे वहाँ पर, उसके बाद जो यहाँ पर आकर प्ले कर लोगे यार, यहाँ स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है, देखो अमर्ज्ड इमर्ज्ड, ठीक है, अमर्ज्ड जो भी हो, इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ यार, सबसे बढ़िया होता है। बहुत लोग क्या करते हैं यार, टाइपिंग करते हैं, वर्ड ढूंढेंगे उसको टाइप करेंगे, फिर जो है यार उसको उसका मीनिंग निकालेंगे, वो यार बहुत टाइम तुम्हारा खा लेगा। बेस्ट रहेगा कि फ़ोटो खींचो डायरेक्ट, जो भी कंटेंट तुम पढ़ने वाले हो पढ़ रहे हो उसको यार फ़ोटो खींचो, ठीक, उसका जो है फ़ोटो खींचो, और जो जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा उसको पकड़ो, ये जो उसका नीचे मीनिंग जो है निकाल निकाल के दे देगा उसको। ठीक है, सो ये रहा मेरा मेथड यूज़ करेंगे संस्कृत सीखने इंग्लिश सीखने का। अभी तो मैं ये जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग, कई सारा बुक पढ़ रहा हूँ, इसका तो यार अभी 20% ही कम्प्लीट हुआ है, इसके बाद भी और ही बहुत सारा बुक पढ़ूंगा यार, और इससे क्या होता है कि तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है, प्लस इंग्लिश से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग भी होता है यार, और ये अलग ही लेवल पर काम करता है। जब ये होने लगे यार, तो साथ साथ प्रयास करना प्रैक्टिस करने का यार, प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सीख तो गए हैं, लेकिन यार जब बोलने बोले हुए तो हाथ पहुँचा, जब बोलने बोले हुए तो यार परेशान आना शुरू हो जाएगा। बहुत तो देखा हूँ मैं,
आता है इंग्लिश, उसको बोले वो लिखेंगे तो बहुत ही मस्त मस्त आर्टिकल लिख देगा आज, गजब गजब का, लेकिन जैसे ही बोलने शुरू करेगा उसे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो? तो इसके लिए यार कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। मैं खुद यार ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ यार, क्योंकि पैसा भी गया, कुछ खास बेनिफिट्स भी नहीं मिला। मैं वीटा का नाम का एक संस्था था, उसका मैं कोर्स ज्वाइन किया था, शायद 6,000 या 8,000 लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 महीने का शायद कोर्स था यार, उसमें वो सिखा रहा था स्पोकिंग। वहाँ पर गया तो कुछ खास मतलब, तो जैसा गया मैं वैसा ही आया, तो बेमतलब पैसा मैं वेस्ट कर दिया। सो मैं ऑफलाइन रिकमेंड नहीं करूँगा, ऑनलाइन ही देखो। कोई फ्रेंड वेंड है वो भी तुम्हारे साथ सीख रहा है, तो उसको भी तुम ले लो और उससे बात करो उल्टा पुल्टा, ठीक है? ऐसे ही बकबक करते रहो। स्टार्टिंग से गाली देना सीखो यार, कोई भी लैंग्वेज में जो है ना गाली देना सीखोगे तो बहुत ही मस्त सीख जाओगे। हमें देखा हूँ ये जो है गाली देना जो है ना, क्या होता है ना, एक लोगों का माइंड बना हुआ है, जैसे अभी लोग कोई कहीं जाते हैं, खासकर मैं जब बिहार से बंगाल गया था तो स्टार्टिंग में पहले गाली देना सीखा था कि बंगाली में गाली कैसे दिया जाता है। एक कूल टाइप का होता है यार, मतलब माइंड जो हम लोग का जल्दी पकड़ता है, जो बेकार बेकार वर्ड है पहले सीख लेना, बाद जो धीमे धीमे जो है वो सीख जाओगे यार। मतलब सुनो मैं क्या बोला हूँ ना, ये होता है हम लोग का माइंड का कि ये ऐसा है यार, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। जो भी तुम्हारा फ्रेंड है या फिर कोई ऑनलाइन कोई कोर्स दे रहा है या कोई टीचर मिल जा रहा है ऑनलाइन तुमको, तो उससे यार वीडियो कॉलिंग या फिर कैसा भी करके यार कम्युनिकेट करके कर सकते हो इंग्लिश यार। ऑफलाइन मत जाना। अगर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो तो मैं बोलूँगा ऑफलाइन भूल से ही मत जाना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, जाने आने में ही घुरा फिरा कर जो है 2.5-3 घंटा तुम्हारा ले लेगा यार भी मतलब का। ये इंग्लिश जो है क्लासेस है यार, ठीक। ऑनलाइन जो है बहुत ही मस्त काम करेगा, खास से कोई फ्रेंड है जिसको जो भी सीख रहा है, या फिर किसी को हायर कर लो पैसा दे के, वो जिसको अच्छा आता है इंग्लिश उससे जो वीडियो कॉलिंग बकवा करते रहो यार, बहुत ही गजब का काम करेगा। ये सीखने के बाद अगर तुम्हारा इंग्लिश ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा बहुत संस्कृत भी सीख लो यार। संस्कृत सीखना बहुत ईजी है, जो लोग जानते हैं हिंदी ना उन लोग के लिए संस्कृत बहुत ही ईजी है। रीज़न क्या है, संस्कृत में क्या होता है ना कि साउंड जो है ना हम लोग इको निकालते हैं, नीते सह घिसते हैं, तो क्या होता है ना जो वाटर कूलर बहुत ही साफ हो जाता है यार। मतलब मैं देखा हूँ कि मेरा जो पहले आवाज़ था ना बहुत ही घिच घिच था, अब जो है ऐसा निकलता है जैसे कोई स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली लोग से बात करता हूँ, लोग बोलता है क्या बोल रहा है, इसका बात हो गया दम है, ठीक है? पहले ऐसा नहीं था, जब से वो जो है ना संस्कृत का एक एक्सटेंट बोलने का जो तरीका है इको करने का घिंचने का नीते सह दम लगता है, उसकी वजह से गला स्ट्रांग हो जाता है। तुम जब बोलोगे किसी को तब छाप के बोलोगे ना तो एक अलग ही लेवल पर लेता है। हालांकि इसी ब्लॉगिंग में इसका काम नहीं आएगा, अभी ब्लॉगिंग में तुम्हारा कुछ काम का नहीं है, लेकिन जब तुम बड़ा होगा मतलब टीम को बड़ा करोगे, मान लो कि तुम्हारा जो वेबसाइट है बड़ा हो रहा है, टीम को मैनेज कर रहे हो, किसी को ऑर्डर देना होगा, तो ये बहुत ही मस्त काम करता है, ठीक है? जो संस्कृत लैंग्वेज जो है ना बहुत ही मैस्कुलिन मनाता है अपने आप में ये सब मामले में, संस्कृत और हरियाणी भाषा दो मैस्कुलिन भाषा है, ठीक है? सो ये सब रहा यार, होप करता तुम लोग को आइडिया हो गया होगा कैसे कैसे करना है। बहुत लोग तो बोलेंगे कि क्या पका रहा है बेमतलब, तो पहले जानता ही था, तो जो जानते था वही मैं चीज़ फॉलो किया हूँ यार, उसी से मैं यहाँ तक पढ़ाया हूँ यार, सीखा हूँ ठीक ठाक तो बोल लेता हूँ यार, और लिखने में बहुत ही अच्छा हूँ यार, मेरा अच्छा इंग्लिश आता है, बहुत ही अच्छा लिखता हूँ यार। ग्रामी भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं देखा हूँ कि अब ग्रामी का मुझे यूज़ करना पड़ता ही नहीं है यार, जो मैं लिखता हूँ ना वो ग्रामी जो है पूरा बोल देता है कि सही है सही है सही है, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फिर के साथ शेयर करो, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आज शाम को यार लाइव रहूँगा 8 बजे, क्योंकि कल लाइव नहीं था, कल मैं रास्ता में ही था यार, ठीक है? बाय।